ट्रैफिक में बाइक चलाना एक बिगिनर के लिए दोस्तों नाइटमेयर है। बहुत सारा क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर जो है हम घबरा जाते हैं, और जो कि नेचुरल बात है, एक न्यू राइडर के लिए, एक बिगिनर के लिए अगर एक्सपीरियंस ना हो तो हमेशा जो है ख़तरा बना रहता है, कहीं से कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई आकर हमें टक्कर मार दे या फिर हम जो है किसी को गलती से टक्कर मार दे, ये सारी सोच हमारे दिमाग में घूमता रहता है और हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ट्रैफिक में कैसे जो है बाइक राइड करना चाहिए बिगिनर के लिए बिल्कुल भी, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मैं आप लोगों को कवर कर पाऊँ ताकि जो है डाउट है वो क्लियर हो पाए। मेरे चैनल में हर तरह के बाइक राइडिंग का टिप्स रिलेटेड वीडियोस आता रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा देखने के बाद अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बाइक के कंट्रोल्स के बारे में, क्या कुछ हमें ट्रैफिक में जो है किस तरीके से बाइक को कंट्रोल करना चाहिए। अगर सिटी ट्रैफिक की बात करें दोस्तों, तो सिटी ट्रैफिक में हमें दो तरह का ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक तो रुक रुक के चलने वाला ट्रैफिक, जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा रुक जाता है और फिर थोड़ा चलता है, फिर थोड़ा रुक जाता है, इस तरह का ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है। और सेकेंड टाइप का जो ट्रैफिक है वो है स्लो मूविंग ट्रैफिक, मतलब कि ट्रैफिक रुकता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन धीरे 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 चलता है, जैसा कि अभी मैं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लच कंट्रोल के बारे में, क्योंकि ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का कंट्रोल करना है हमें तो वो है क्लच। क्लच के ऊपर और थ्रॉटल के ऊपर जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बाइक को ट्रैफिक में चला पाते हो। तो सबसे पहले क्लच की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि क्लच का जो है एक एंगेजमेंट पॉइंट होता है, और उस एंगेजमेंट पॉइंट से लेकर जब आप क्लच को पूरी तरीके से रिलीज़ कर देते हो तो ये जो जोन है ना, इसको फ्रिक्शन जोन कहा जाता है। और अगर आप इस फ्रिक्शन जोन को मास्टर कर पाते हो तो जो है आप आसानी से ट्रैफिक में बाइक चला पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे इस फ्रिक्शन जोन को कंट्रोल करना है, कैसे इसको मास्टर करना है, एक्चुअली आप लोग जानते तो होंगे लेकिन इसको मास्टर करना होता है, और इसके वजह से जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊंगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। मेन चीज़ जो ये है, क्लच का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो सीधा सीधा मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। ट्रैफिक में जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको कॉन्स्टेंटली ज़्यादातर एक स्पीड में ही बाइक को चलाना है, 20 से लेकर 30, उससे ज़्यादा बाइक जो है आपका स्पीड नहीं जाएगा, ठीक है। कभी कभी उससे भी स्लो हो सकता है। और गियर की अगर बात करें तो सेकंड गियर से लेकर थर्ड गियर में ज़्यादातर आप न्यू बिगिनर जो राइडर है उनके लिए ये सही होता है। कभी कभी बहुत ही रेयर सिचुएशन जब आपको थोड़ा सा खुला मिलता है तो फोर्थ गियर में जा सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप सेकंड या थर्ड गियर में बाइक को चला रहे हो और आप लोगों को इस तरह का ट्रैफिक मिल जाता है जहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ना है, तो इस सिचुएशन में आपको ब्रेक का जो है बहुत ही कम इस्तेमाल है, कभी कभी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो है क्लच का। तो जहाँ पे क्लच का एंगेजमेंट पॉइंट है दोस्तों, एंगेजमेंट पॉइंट मतलब जब आप बाइक को फर्स्ट गियर में डाल के जब आप क्लच को छोड़ोगे तो एक पॉइंट है, एक सडन पॉइंट है जहाँ से बाइक जो है आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, बाइक आगे पुश करेगा। तो वही जो है एंगेजमेंट पॉइंट, उसी एंगेजमेंट पॉइंट के आसपास जो है हमें क्लच को कंट्रोल करना होता है, जहाँ पर जो है स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, ठीक है। मतलब कि मान लो कि आपको थोड़ा सा स्लो करना है तो आपको क्या करना है, क्लच को बस उतना ही दबाना है एंगेजमेंट पॉइंट की जस्ट थोड़ा सा पहले, पूरा क्लच नहीं दबाना है। और जब भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा रोड जो है मुझे मिला है आगे बढ़ने के लिए, तब क्या है, तब आपको क्लच को छोड़ना है जस्ट एंगेजमेंट पॉइंट के बाद, ठीक है। और इस टाइम जो है आपको थ्रॉटल जो है कॉन्स्टेंट रखना है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट ही रखना है, ज़्यादा थ्रॉटल दे के भी नहीं रखना और कम भी नहीं रखना, थोड़ा सा थ्रॉटल दे के आपको कॉन्स्टेंट रखना है एकदम से, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका और कांस्टेंट रनिंग, स्लोली रनिंग ट्रैफिक मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया क्लच कंट्रोल। अभी बताएंगे कि इसको मास्टर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। क्लच को कंट्रोल करने के लिए अगर आप फोर फिंगर का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है आप सही तरीके से इसको छोड़ या फिर दबा नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्लच को जो है टू फिंगर से कंट्रोल करना, प्रैक्टिस करना है। मैं बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं पहले ही, और अभी भी बता रहा हूं कि इससे क्या होता है, अगर आप टू फिंगर से क्लच को कंट्रोल करते हो तो बाकी जो थ्री फिंगर्स है उससे आप हैंडल को सही तरीके से पकड़ के रख पाते हो, आपके हैंडल के ऊपर जो है ग्रिप बना रहता है, और टू फिंगर से जो आप एंगेजमेंट पॉइंट की जस्ट आगे एंड जस्ट पीछे ज़रूरत पड़ने पर क्लच को यूज़ कर सकते हो।
अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हफ क्लच के बारे में ये बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली हफ क्लच ही है जब हम एंगेजमेंट पॉइंट के आसपास बाइक को चलाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हफ क्लच से बाइक का नुकसान तभी होता है जब आप ब्रेक को, रियर ब्रेक एक्चुअली, बेसिकली रियर ब्रेक को दबाते हुए जब आप क्लच को छोड़ते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लो कि आपके बाइक का थ्रॉटल भी दिया हुआ है, आप पीछे के ब्रेक में पैर भी रखे हो दबा के, और उसके बाद जो है आप क्लच को छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, एक तरीके से जो है आप गाड़ी का गला दबा रहे हो, गाड़ी को पुश भी कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए और आप ब्रेक भी दबाए रखे हो, तो क्या होगा, क्लच प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगा और उससे जो है क्लच प्लेट्स जल्दी जल्दी जल जाएंगे। तो आपको करना ये है, जब भी आप हाफ क्लच कर रहे हो, डेफिनेटली आपको याद रखना है कि पीछे का जो ब्रेक है उसके ऊपर से जो है पैर को हटा रखे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब आप हाफ क्लच का यूज़ कर रहे हो तो रियर ब्रेक को आपको छोड़ना है, रियर ब्रेक को आपको दबाए नहीं रखना है। तो अभी बात करेंगे दोस्तों सिटी ट्रैफिक में गियर चेंज के बारे में, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में हमें बहुत ज़्यादा गियर चेंज करना पड़ता है, जहाँ पे रुक रुक के चलने वाला ट्रैफिक आता है, जैसे कि देखो यहाँ पे, ये देखो ट्रैफिक आ गया तो हमें रुकना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है हमें डेफिनेटली जो है क्लच दबा के ब्रेक लगा के गियर को डाउनशिफ्ट करना है। और ये चीज़ आप कभी भी मत भूलो, क्योंकि ट्रैफिक में अगर आप गियर को डाउन नहीं करके रखोगे तो क्या होगा, फिर से जब ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो है आपका बाइक झटका खा के बंद हो जाएगा। और अगर ट्रैफिक में इस तरीके की भीड़ में अगर आपका बाइक झटका खा के बंद हो जाता है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो पीछे से चार गलियाँ आएंगे, आगे से चार गलियाँ आएंगे। तो डेफिनेटली आप ये मत भूलो कि ट्रैफिक में जब भी आप बाइक को स्लो करके रोक रहे हो, यहाँ पर सिग्नल पड़ने पर बाइक को रोक रहे हो, तो गियर को जो है डाउन करके रखो, ठीक है, ताकि जो है आपको आगे बढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। और अभी बात करेंगे कि किस गियर में जो है आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक में बाइक चलाना है। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेरा बाइक जो है 20-30 में चल रहा है और मेरा थोड़ा सा हाथ ठीक है, मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ सिटी में चलाने के लिए, तो अभी मैं फोर्थ गियर में चला रहा हूँ। लेकिन बिगिनर के लिए कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फोर्थ गियर में चलाओ, आप कॉन्स्टेंटली जो है आप बाइक को सेकेंड या फिर थर्ड गियर में चलाने की कोशिश करो। बेसिकली आपको सेकेंड से थर्ड गियर में ही बाइक को चलाना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है आप इजीली तरीके से जो है बाइक का स्पीड कम कर पाओ, डाउनशिफ्ट कर पाओ। और स्लो मूविंग ट्रैफिक में मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्स्टेंटली एक स्पीड में चलाना है, ताकि जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गियर जो है चेंज ना करना पड़े। अगर आप 20-30 में बाइक को चलाओगे तो क्या होगा, आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको रुकने वाला ट्रैफिक कम मिलेगा। और अगर आप मान लो कि अचानक से थोड़ा सा स्पीड दे देते हो बाइक में चढ़ान से एकदम 40 के ऊपर 50 के ऊपर ले चले जाते हो, तो डेफिनेटली जो है सामने का जो ट्रैफिक है वो स्लो जा रहा होगा, तो आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा और फिर गियर डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा। फिर से जो है आपको जब आप ट्रैफिक निकलेगा, आप आगे बढ़ने जाओगे, तो उस टाइम आपको फिर से जो है गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड में जाओ, जिससे कि आपको बार बार गियर चेंज करने की नौबत ना आए। और अगर बार बार गियर चेंज करते हो तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपका क्लच प्लेट जो है वो भी ख़राब होता है, क्योंकि बार बार क्लच दबाने की वजह से जो है डेफिनेटली क्लच में तो कुछ फ्रिक्शन वगैरह होगा ही होगा। और क्या होता है, क्लच का जो फ्री प्ले है ना, वो हार्ड हो जाता है, मतलब क्लच बार बार दबाने से क्लच हार्ड हो जाता है, तो सिटी में हाथ भी दुखने लगता है। सिग्नल हो गया ना, गलतफहमी में पड़ गया यार, सॉरी, आपसे बात करते हुए देखिए किस तरह का गलतफहमी में पड़ गया था, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ था फिर भी मैं रुक गया। तो देखिए इस तरह की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि जान हथेली पे डालकर जो है इस तरीके का वीडियो बनाना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ मेहनत की एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी बात करेंगे कि स्लो स्पीड में ब्रेकिंग कैसे करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो है स्लो स्पीड में जब हमें बाइक चलाना है, तो मैंने जैसा कि बताया जी, क्लच कंट्रोल के ऊपर ही आप पूरा का पूरा बाइक जो है चला सकते हो, ज़्यादा ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है आपका स्पीड, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड, कभी बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड में चलाओगे तो ब्रेक का भी इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी जो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़े, तो उस टाइम में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जहाँ पर आप हाफ क्लच यूज़ करके बाइक चला रहे हो और वहाँ पर अगर रियर ब्रेक आप ज़्यादा यूज़ करते हो, रियर ब्रेक दबाते हुए अगर आप हफ क्लच कर रहे हो और हफ क्लच को छोड़ रहे हो, थ्रॉटल दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लच प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हीट क्रिएट होता है और क्लच प्लेट जल जाता है। तो डेफिनेटली हफ क्लच करने से हमारे बाइक में थोड़ा बहुत जो है फ्रिक्शन तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो हीट पैदा होता ही, और थोड़ा बहुत तो जो है वारंटी होगा ही, लेकिन उतना तो चलता है, क्योंकि क्लच प्लेट को दिया ही गया है इसलिए कि हम ट्रैफिक में जो है सही तरीके से बाइक राइड कर पाए। तो बेसिकली करना क्या है, हाफ क्लच जब आप कर रहे हो तो उस टाइम कम से कम जो है रियर ब्रेक का इस्तेमाल करो,
तो ट्रैफिक में, इस तरह के ट्रैफिक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ्रंट जो ब्रेक है उसको इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि फ्रंट ब्रेक के ऊपर कंट्रोल आप बेहतर ढंग से कर पाते हो। ठीक है, अगर आपका बाइक स्लो स्पीड में चल रहा है तो वहाँ पे जो है पैर का ब्रेक आप सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाएगा। और सामने का ब्रेक अगर आप एक फिंगर से कंट्रोल करते हो बहुत ही लाइटली, वेरी लाइटली, तो ये जो है डेफिनेटली आपको बेहतर ढंग से जो है राइडिंग एक्सपीरियंस देगा। और इसके लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर बाइकों में जो है फ्रंट में ABS आता है या फिर डिस्क ब्रेक तो आता ही है, तो फ्रंट ब्रेक जो है बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हल्के से अगर आप इस्तेमाल करोगे इसको तो ये जो है एक उंगली या फिर दो उंगली से, तो डेफिनेटली ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और कभी कभी जब थोड़ा सा स्पीड बाइक पकड़ लेता है तो उस टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले हल्का सा पीछे का ब्रेक दे, उसके बाद जो है फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हाई स्पीड में अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया और फ्रंट ब्रेक आप अचानक से दबा बैठते हो तो इसमें क्या होता है, स्किटिंग का चांस रह जाता है। ठीक है, तो जब स्लो स्लो जा रहे हो, ऐसे कि स्लो स्लो जा रहे हो और कभी कभी ब्रेक लगाना पड़े, इस टाइम मैं रेकमेंड करूंगा कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि क्लच के ऊपर ही सारा चीज़ जो कंट्रोल हो जाता है। ये देखिए मेरा बाइक, देखिए अभी 15-16-20 के स्पीड में चल रहा है और हल्का सा थ्रोटल दिया हुआ है और क्लच को जस्ट एंगेजमेंट पॉइंट, जब भी आपको स्लो करना पड़े क्लच को जस्ट दबाओ हल्का सा एंगेजमेंट पॉइंट के आगे, और जब भी आपको थोड़ा सा स्पीड अप लेना है तो क्लच को छोड़ो हल्का सा एंगेजमेंट पॉइंट के बाद, बस इतना ही करना है इस तरह की स्लो मूविंग ट्रैफिक में। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये बस वगैरह जा रहा है और बीच में ये देखो डिवाइडर आ गया, तो इस बीच में कभी भी बाइक को राइड मत करो, इस बीच में कभी भी घुसने की कोशिश मत करो। अगर आप ओवरटेक करना है, अगर आपको स्पेस मिलता है ओवरटेक कर सकते हो डेफिनेटली, और पीछे आगे देख कर मिरर में देख कर ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन कभी भी कॉन्स्टेंट जो है साइड साइड में राइड करने की कोशिश मत करो, ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्लो मूविंग ट्रैफिक में सिटी के अंदर कैसे आप लोगों को बाइक जो है चलाना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सिटी के भीड़ में बाइक चलाना और बाइक चलाने सिखाना बहुत ही, दोनों चीज़ एक साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो डेफिनेटली इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।